हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया रहेंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम लोग का गांव में है एंगेजमेंट, जो कि गांव में ही दो ठो शादी हो रहा है। लड़की का घर भी हम लोग का गांव में है, लड़का का घर भी, मतलब एक ही गांव में दो ठो शादी हो रहा है। और वो दोनों एक ही गाँव के हैं। तो इधर रास्ता है, तो रास्ता का उस साइड है लड़की का घर और इस साइड में है लड़का का घर। तो बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। ये शादी तीसरी बार हो रहा है हम लोग का गाँव में ऐसी शादी, तो बहुत इन्जॉय करेंगे हम लोग। और आज का एंगेजमेंट कैसा होता है आप ब्लॉग में बने रहेगा तब ना देख पाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहेगा। और तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं बैठी ही रहूँगी। जब वो लोग जाएंगे, सब लोग जाएंगे एंगेजमेंट करवाने के लिए, तब मैं उठूँगी और जाऊँगी। और जो जिसका शादी हो रहा है मतलब लड़का मेरा बड़ा भाई लगेगा, और मेरा मतलब मेरे बड़े पापा का बेटा है, हम लोग का खानदानी है वो। तो हम लोग का एंगेजमेंट कैसा होता है गाइस आप लोग को दिखाऊंगी। गांव-गांव में ही मज़ा आएगा कि नहीं पता नहीं, मुझे लग रहा है मज़ा आएगा ऐसा लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या हो रहा है। तो भागने तो नहीं देगा। सभी हम लोग पहुँच गए हैं भाभी लोग का घर, और हम लोग का स्वागत करते हुए हम लोग का पैर हाथ धो रहे थे, और हम लोग को नाश्ता में दिए पूरी सब्जी। फिर मैं चली गई भाभी को रेडी करने के लिए। सब लोग हाजिर हो गए थे, मुझे बुला रहे थे कॉल कर करके। फिर मैं गई और देखी सब लोग आ गए हैं, और ये है मेरी भाभी जो खड़ी है। तो इसको हम लोग रेडी करने के लिए आए हैं। हम लोग का एक नेम होता है जो कि लड़के वाले रेडी करते हैं उस दिन लड़की को, हम मतलब जैसे भी रेडी करेंगे उनके हिसाब से उस दिन उनको रेडी होना पड़ता है। यहाँ पे और एक नियम होता है, भाभी अपनी ननंद के ऊपर मतलब ननंद के गोदी में बैठ के जितना भी उसका मेकअप जितना सजा सज्जी सब वही उसके ऊपर बैठ के ही करेगी, वैसे रिवाज है। तो मेरी दीदी तो नहीं आई थी, तो मेरे को ही मेरे ऊपर बैठना पड़ा भाभी को, पर मेरे ऊपर नहीं बैठी क्योंकि मैं इतनी पतली हूँ, अगर बैठती तो मेरा हालत इतना भी मोटी नहीं है मेरी भाभी, फिर भी मुझे देख के शायद उनको ज़मीन पे बैठा है, पर मेरा पैर उनसे लगा हुआ था थोड़ा। तो फिर यहाँ पे चल रहा है मुस्कान मेरी बहन, जो कि हेयर स्टाइल कर रही है भाभी का। और ये मेरी अपनी भाभी जो कि मेरी और एक भाभी को मतलब मेकअप कर रही है। तो देखिए, और सब लोग हैं यहाँ पे, हम लोग का लड़का तरफ का सब लोग और लड़की तरफ का भी हैं, वो लोग देख रहे हैं हम लोग का दीदी या जो भी कहेंगे उनको कैसे रेडी कर रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं बैठ के। और यहाँ पे प्रीति भी हम लोग का लड़का तरफ ही है, तो वो भी लगा रही है भाभी को। और देख सकते हो पीछे से मैं कैसे देख रही हूँ, मेरा भाभी को अच्छे से रेडी करना ऐसे मतलब ऐसे ऐसे टाइप का देख रही हूँ मैं। फिर ये लगा रही थी आई शेडो लगा रही थी लिपस्टिक का। फिर हम लोग लाए थे आई लाइनर, मतलब हम लोग नहीं बड़ी मम्मी सब खरीदी थी, जितना भाभी का सामान सब वही खरीदी थी। फिर ये मुस्कान मस्त वाला बहुत ही अच्छा वाला खोपा कर रही थी, बेनी वाला, मैं तो कभी देखी नहीं हूँ ऐसे वाला, बहुत ही अच्छा करती है ये, मास्टर है हेयर स्टाइल में। और आप ये गाना तो सुन रहे ही होंगे, ये तो शादी में ऐसे गाना गाते ही रहते हैं, कभी कभी रुला भी देते हैं। तो फाइनली मेरी भाभी रेडी हो चुकी है, और इसका लुक आप लोग देख सकते हो, बताना कमेंट में कि कैसे लग रही है, आपको पूरा दिखा दे रही हूँ, देख सकते हो। और ये है भाभी की बहन सब हैं ये लोग, मैं बोली हाय बोल दो थोड़ा, तो हाय बोल दिए। फिर इनका भी इनको भी रेडी होने के लिए बोले थे, तो इन लोग भी रेडी होके आ गए हैं। और मेरी दीदी मेरे को बता रही थी कि ये लोग भाभी की बहन है बोल के, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ ना इसीलिए। फिर सरोज भी भाभी और भैया को लेके मड़वा में ऐसे तीन राउंड शायद घूमेंगे, और इधर पीछे पीछे भी हैं ये लोग गाना गा गा के मतलब आ रहे हैं, और देख सकते हो थ्री राउंड शायद घूमते हैं। और
तीन बार घूम के ख़त्म करने के बाद यहाँ पे एक चटाई रहता है, वहाँ पे खड़े होते हैं मतलब भाभी और उनके दो बहन खड़े होंगे साइड साइड में और बीच में, और उस तरफ भैया और उनके तरफ से मतलब हम लोग के तरफ से दो लड़का वो खड़े रहेंगे। फिर उनसे पूछा जाएगा क्या क्या कि आपका नाम क्या है, बहुत ही मतलब इससे पूछा जाता है। फिर भैया और भाभी आ गए हैं आगे और इसको उठा के अभी तीन बार इसको दे मतलब भैया भाभी को देगी और भाभी भैया को, वैसे तीन बार करेंगे। फिर जाके माला वाला पहनाएंगे, उसको आप देख ही लोगे आगे में। तो गाइस जहाँ पे वो लोग खड़े हैं ना जिसके ऊपर, उसको सादरी में पटिया बोलते हैं। पूरा साक्षी है रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये सब लोग पूजा कर रहे थे थोड़ा, क्योंकि कुछ अच्छा काम करने से पहले पूजा करना चाहिए, तो ये तो एक शादी का सवाल है, इसीलिए सब लोग उस तरफ पूर्व दिशा में मुंह करके पूजा कर रहे थे। फिर वो पूजा ख़त्म होने के बाद हम लोग चले फ़ोटो उठाने के लिए। फिर पीछे से भी आ रहे थे दीदी लोग, मेरी दीदी लोग। फिर इधर हैं भाभी और मेरे अमीषा गुई। हम लोग जा रहे हैं थोड़ा उस तरफ फ़ोटो उठाने के लिए, तो देखते हैं उधर क्या होता है। यहाँ पे हम लोग भैया और भाभी का रिंग पहनाने वाला रील्स बना दे रहे थे, जो कि हम लोग इंटरनेट में से देख के रखे थे। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे कैसे फोटोशूट चल रहा है, और चारों तरफ ऑडियंस ही ऑडियंस भरे हुए हैं। देख सकते हो ये रहे, ये चारों तरफ ऑडियंस है, और भैया भाभी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं इसीलिए नहीं शर्मा रहे हैं फोटो उठाने में, बहुत ही अच्छा बात है। और कैमरा वोमेन है प्रतिमा दीदी, और डायरेक्टर है मेनका दीदी, जो कि पोज बता रही है ऐसा वैसा पोज बोल के, और दोनों मिल के फोटो उठा रहे हैं देख सकते हो। और इधर अमीषा गुई और अंबिका गुई भी लगे पड़े हैं गुलाब पकड़ के। ये अंबिका दीदी, सॉरी मैं अंबिका गुई, और ये है मेनका गुई, और मैं ये है मेरी दीदी, और वो है अमीषा गुई, ये है नीलिमा गुई मेरी। ये सब कोई गुया है। तो गाइस अभी हम लोग
तो नहीं जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, ये नदी की तरफ अभी उतरेंगे। यहाँ पे भी बहुत अच्छा रहेगा। देख सकते हो व्यू। तो गाइस हम लोग उस आगे की तरफ जा रहे हैं, ये नदी में अपना पैर को धोएंगे। घूम के आने से तब पता चला कि इधर खाने के लिए दे रहे थे, तो हम लोग आ गए खाने के लिए और सब लोग बैठ गए हैं खाने के लिए। हम लोग बस बचे हैं, तो जब इन लोग उठेंगे फिर हम लोग बैठेंगे, फिर हम लोग खा के घर चले जाएंगे। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं घर और हम लोग का विदाई हो गया है। मेरा चार्ज नहीं था फ़ोन में, इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई कि हम लोग का विदाई कैसे हुआ। तो बहुत मज़ा आया गाइज भाभी के साथ मिल के फ़ोटो उठाने में, और थोड़ा फीलिंग भी आ रहा था, मतलब भाभी मेरी भाभी है बोल के। तो अभी तो होने वाली है मेरी भाभी, हो गई भी है, एंगेजमेंट तो हो गया ना। तो और क्या, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं बड़गुतिया वाले ब्लॉग में, कल है बड़गुतिया, तो वहाँ पर मिलते हैं।